अस्सलाम गाइस, मैं हूं बशीर, आप देख रहे हैं मिस्टर हूं बशीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, क्या आप फोटो एडिट करना चाहते हैं? अगर आप फोटो एडिट करना चाहते हैं प्रोफेशनल, वो भी फोटोशॉप 7.0 पर और पीसी पर, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको मैं एक प्रोफेशनल तरीके का फोटो एडिट करके दिखाऊँगा, कुछ इस तरह का फोटो, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को। वी आर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो हर हाल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फोटोशॉप को ओपन करना है। तो सिंपली मैंने अपना फोटोशॉप को ओपन कर लिया, आपके सामने कुछ इस तरह का फोटोशॉप ओपन होगा आपके पास, ठीक है। आपने इंस्टॉल कर लेना किसी भी सॉफ्टवेयर वाली शॉप से, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसे डाउनलोड आपने किसी से कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। ड्रैग किया और मैंने सिंपली यहाँ पर छोड़ दिया कर, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ये इमेज देखने को हमें मिल रही है, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड, हम इसमें सबसे पहले तो इसका जो फेस है ना, उसमें हम ब्राइटनेस लाएंगे। ब्राइटनेस लाने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पर आकर आपने कंट्रोल एम में आना, इसे आपने थोड़ी सी लाइट देनी है। लाइट देने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर आना एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ पर आपने आ जाना है कंट्रोल शिफ्ट और यू में। यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, बट मैं ब्लैक एंड वाइट नहीं करना चाहता। कंट्रोल जेड करता हूँ, बैक करता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ दोबारा फिर, ठीक है, सैचुरेशन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आकर येलो कलर क्लिक करते हैं, तो मज़ा नहीं आने वाला, बैक आता हूँ और प्लस करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है दोस्तों, ये टूल यूज़ करना है। ये टूल यूज़ करते हुए मैंने इसकी सिलेक्शन करनी है अच्छे तरीके से। आप अपने हिसाब से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना, यहाँ पर इस तरह आ जाना ताकि ये हमारा ज़्यादा फिर यहाँ पर गिर ना ले। ठीक है, इस तरह का। और आगे यहाँ पर जो ये हेयर है इसका कान, तो यहाँ पर इसको भी हम ड्रैग करके यहाँ से निकाल लेंगे। हैंड पर आ जाते हैं, इतना करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना, आपने सिर्फ यहाँ पर आना है लगिंग में फिल्टर, और फर्स्ट वाला फिल्टर इसमें अप्लाई करना है। जो फिल्टर मैं यूज़ करूँ आपने वही यूज़ करना है दोस्तों, ठीक है। ये लोडिंग ले रहा है, ओके अप्लाई हो चुका है दोस्तों। अब हम दूसरा फिल्टर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ओके। इसके बाद हमारे पास तीसरा फिल्टर है, ये लोडिंग लेता है। जितना भी अच्छी जो आपका पीसी कंप्यूटर है जितना तेज़ होगा उतना ये जल्दी आपको रिजल्ट देगा, ठीक है दोस्तों। मेरा पीसी इतना फास्ट नहीं है, ओनली हमारी जो हमने स्क्रीन उसमें बनाई है बहुत ही अमीजिंग स्क्रीन बन चुकी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप अगेन बैकग्राउंड बनाकर आपको दिखाएंगे बैकग्राउंड किस तरह हमने क्रिएट करना है। इतना कंट्रोल डी करता हूँ दोस्तों, और हम इसे जूम कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो ये इमेज यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोस्तों आपको फ़र्क दिख गया। हमने कोई इतना टूल यूज़ नहीं किए, ओनली फिल्टर्स में अप्लाई किए, ये हमारा जो फेस है स्मूद हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से इसे और चेक कर सकते हैं जो यहाँ पर ये देखिए ये डार्क सा मिल गया। आपने क्या करना है, ये टूल यूज़ करना है और आपने ऑल्ट प्रेस करना, साफ इस पर क्लिक करना है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये चीज़ है ये ख़त्म हो जाए। ये जो ये धागा सा है सब कुछ आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इसके बाद अपने क्या करना है दोस्तों,
इसके बाद हम बैकग्राउंड बनाएंगे, कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने यहाँ से येलो क्लिक करने करना है, ठीक है। इसकी सैचुरेशन को हमने थोड़ा सा इंक्रीज करना है, कम करना है, और इसे हम बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। और इसे ही हम यहाँ से इस तरह कर देते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जो मर्ज़ी कलर देना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये कलर दूंगा और ओके करता हूँ। फिर मैं कंट्रोल यहाँ पर आ जाता हूँ प्लस पे, और यहाँ पर रेजर टूल की मदद से इसके फेस जो है ना थोड़ी सी लाइट अगर इसमें आई है तो इसमें खत्म हो जाएगी। आई तो है दोस्तों, ठीक, इसलिए मैं इसे यहाँ पर देखने कर रहा हूँ ताकि जो भी हमारा यहाँ पर वो कलर आया है वो ईजिली रिमूव हो जाए यहाँ से। दोस्तों आपने धीरे धीरे से कर लेना है, मैं धीरे धीरे आराम सुकून से कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद कंट्रोल जे कंट्रोल यू तो यहाँ पर आना है आपने ग्रीन में, ग्रीन की सैचुरेशन बिल्कुल कम कर दी हमने। तो यहाँ पर ओके, अब हमने अपना रेड येलो तो यहाँ तकरीबन हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड चेंज कर इसका जो लाइट देकर, और यहाँ पर फेस पर एक बार हम जो इसमें ये रिजल्ट आ चुका है ये हम ख़त्म कर लें इसमें। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको वो जो हमने लाइट वगैरह दी था वो हमने अच्छी तरह रिमूव नहीं किया था, अब वो ज़हर हो रहा है। तो दोस्तों इतना काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी अमेजिंग हमारी इमेज बन चुकी है। आप खुद चेक कर सकते हैं कंट्रोल ई कंट्रोल ई, ये देखिएगा दोस्तों, ये आपको क्या फर्क दिख रहा है इसमें, कितनी क्वालिटी आ चुकी है हमारी इमेज में। तो दोस्तों आप इजी तरीके से बहुत ही अच्छी इमेज बना सकते हैं इस इफ़ेक्ट की मदद से। दोस्तों ये इफ़ेक्ट मैंने वीडियो लगा रखी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वो वीडियो किस तरह से डाउनलोड करते हैं, मैं आपको वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा फिल्टर, ठीक है, किस तरह से फ़िल्टर डाउनलोड करते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं उन वीडियो को, ठीक है, इजीली बहुत ही ईजी तरीके में मैंने बताया किस तरह प्लगइन करते हैं, किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। यूज़ करना तो मैं अभी आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया, और आप सोचेंगे किस तरह इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल से बताया हुआ है। आप ईजिली उसे देख कर समझ कर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फोटोशॉप एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। मैं पैसा नहीं कमाता, मुझे कोई शौक़ नहीं, ऑनलाइन भी एडिटिंग इतनी अच्छी, जितनी आप अच्छी बना पाएंगे उतनी अच्छी आपकी ऑडियंस आपको मिलेंगे, लोग मिलेंगे आपसे अटैच होंगे, जितना अच्छा आप एडिट करेंगे उतना ही अच्छे लोग आपसे कॉन्टैक्ट और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ना तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करके जाना, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंडली हम इसे सेव करते हैं, ओके यस करना। आपने यहाँ पर आकर दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हैं, JPG मिलता है, हाईलाइट मिलता है, आपने यहाँ पर PNG में करना। आप अगर आप चाहते हैं हमें बैकग्राउंड ना मिले तो आपने PNG में करना, ठीक है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड है, हमें हर हाल में बैकग्राउंड ही मिलना है, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो अगर आप चाहते हैं PNG में मिलना है तो आपने यहाँ पर PNG 24 पर क्लिक कर लेना। तो हम JPG में करते हैं, कन्वर्ट इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं ईजिली और इंटर कर देना ओनली। ये अब हमारी पिक्चर सेफ हो रही है, ये देखें ये मर्ज़ी सेफ हो चुकी है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दिल दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।